कर रहे दिखता है आप लोग। प्रशासन जुटा हुआ है योगी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, उसकी जनता को तकलीफ ना हो। नेता भी सांसद जी ने कहा कि बाढ़ को किसने रोका है, तो ये बात नहीं कि बाढ़ को किसी ने नहीं रोका, लेकिन बाढ़ के दुष्परिणामों को न घूमते पब्लिक जनता उसको मेरे नेता ने रोका। मित्रों आप देख रहे हैं कितने साल हो गए, सालों साल हो गए कोरोना का आए हुए, हर घर में जो अंतर पहुंच रहा है, राजनीति के पहुंच रही है, चिंता है आम जनता की। इस समय किसने चिंता की थी जनता की? बहुत राजाए गए, बहुत नेता आए चले गए, लेकिन अंतिम छोर पर बैठे, गांव सुदूर गांव में बैठे, गली कूचों में बैठे उन परिवारों की भूख की चिंता किसने की? हमारे नेता मोदी ने की, हमारे नेता योगी ने की, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। उसी के तहत ये आज वितरण हो रहा है। यहाँ पर यद्यपि उतनी बड़ी बाढ़ नहीं है जितनी और कई जिलों में है, लेकिन गंगा जी उफान पर है और उफान का परिणाम है कुछ परिवारों को दिक्कतें हुई। अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी चले जाते नहाने, और फिर जब दुर्घटना होती है तो व्यवस्था को खोजते हैं। हमको कुछ सोचना चाहिए कि ऐसे समय जब बाढ़ है, दरिया उफान पर है, तूफान पर है, तो हमको उससे बचना चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए। गंगा स्नान हमारे पवित्र है, लेकिन जान जोखिम में डालकर गंगा स्नान ये किसी धर्म में नहीं माना जाता। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस समय इस बाढ़ के तूफान में गंगा स्नान करने से बचे, कोई हादसा होगा, जनहानि की पूर्ति नहीं हो सकती, अन्य संपत्ति की हानि और किसी सामान की हानि की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन जनहानि कोई घर का गुजर गया उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, उससे बचना चाहिए। एक और बात कहना चाहूंगा, ये जो नदियां उतरती है चलती है, इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी, आदरणीय सांसद जी, माननीय विधायक बोधपुर, जिला अध्यक्ष भाजपा, जिलाधिकारी महोदय, प्रधान साहब और उपस्थित सभी जान गणमान लोगों का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दूंगा कि आपने सर अपना बहुमूल्य टाइम निकाला। राजस्व विभाग के जो लोग हैं सारे लाभार्थियों को बांट दिए जाएंगे। बस एक